Hi everyone, welcome to Rest to IT. So my dear friends, today I am here to discuss 5 super most sample pattern problems for your forthcoming JEE Advanced exams from the chapters area bounded by the curve. So my dear friends, this is third video on area. So here this is my Rancor Mathematics and lecture number 185. Clear? So my dear friends, this is strictly for JEE Advanced aspirants. It contains more than 250 video lectures. Clear? So my dear friends, and each lecture consists of 5 questions. Out of 5 questions, few of them from past JEE Advanced exams and few are very good conceptual questions. So my dear friends, if you want to crack JEE Advanced exams with a great confidence, you have to practice these types of problem properly. Then you feel comfortable in the subjects. Now I want to announce about my class at An Academy Plus today. So my dear friends, there is a class at 9 p.m. on the topics area bounded by the curves. So my dear friends, मैं expect करूँगा आप सब लोग मेरा class attend करो and new innovative साइंटिफिक कंस्ट्रक्टिव कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, फॉर योर फोर्थकमिंग जेई मेन एंड जेई एडवांस एग्जाम. ठीक है, जेई मेन एंड जेई एडवांस एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो नाउ वी विल डिस्कस about the first questions in this video, the area bounded by the curves y is equal to ln x and y is equal to ln mod x. So this, so my dear friends, इसका जो graph है ना, ये बहुत ही interesting है. So this is, इसका graph को समझने का कोशिश करो. So this is y is equal to ln x, a है, and y is equal to ln x का mod है. So this is, ये दोनों side का ही है, a भी. अभी जब इसका बारे में सोचोगे, सो लाइक दिस ए ए है, फिर जब इसका बारे में सोचोगे, सो दिस इज माय डियर फ्रेंड, सो लाइक दिस. इस पार्ट का एरिया तुम्हें फाइंड करना है, ए बाउंडेड पार्ट है, सो दिस इज, इसका एरिया आपको फाइंड करना है. सो दिस इज एक्स, दिस इज ओ एक्स डैश, एंड सो दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश. तो इसका एरिया क्या होगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या होता है, देखो ये तो वन है. सो क्लियर, किसी एक पार्ट का एरिया को फाइंड करके फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, फ्रॉम हियर टू हियर ले लिया. अभी क्या होगा, वाई एक्सिस का ऊपर है एक्स डी वाई, सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी से जीरो, एक्स का वैल्यू क्या होगा, सो दिस इज ई टू दी पर वाई डी वाई. अभी इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो. सो माय डियर फ्रेंड्स, वन माइनस ई टू दी पर माइनस इन्फिनिटी मीन्स क्या, जीरो है. सो दिस इज फोर स्क्वायर यूनिट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन जेई मैथ्स. ठीक है, क्लियर, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है. ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में दे सकता है, ठीक है, क्लियर. सो मैं एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पुटअप कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर इट, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट, एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, रिमेंबर इट. Now the second question is this, fx equal to x cube plus 3x plus 2 and gx be its inverse, then the area bounded by gx, the x-axis and the ordinates at x equal to minus 2 and x equal to 6. So my dear friends, very good questions hai, ise samajhne ka koshish kijiye. Suppose like this, aisa function hai, theek hai. So this is x, this is y and this is f hai. जी क्या है ना, सो दैट इज इज वर्ड इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ एफ. ठीक है, यहीं पे क्या है, देखो इधर है माइनस टू एंड सो दिस इज इज सिक्स है. तो इसका वैल्यू देखो, एक्स का जगह पे वन रखो तो ये सिक्स दे देगा. ठीक है, एफ ऑफ वन सिक्स देगा ना, एफ तो क्या पुट करने में माइनस टू होगा ना, जब एक्स का जगह पे, ठीक है, एक्स का जगह पे माइनस वन रखो, सो दिस ये हो गया. ठीक है, एंड सो माई डियर फ्रेंड्स, इसका जो बेस ए आपको फाइंड करना है. सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स एट एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इक्वल टू सिक्स है, नथिंग एल्स. अभी क्या करोगे, इसका ग्राफ को ड्रॉ करो. सो दिस इज इज वेयर, ठीक है, सो दिस इज एक्स ओ एक्स डैश एंड दिस इज वाई ओ वाई डैश है. अभी y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस टू है. सो माई डियर फ्रेंड, सपोज लाइक दिस, यहीं पे जब x जीरो है, y का वैल्यू टू है, और ये जो पार्ट है, सो माई डियर फ्रेंड्स, ये जो लेंथ है a माइनस टू है, सपोज ये जो लेंथ है, सो दैट इज इज सिक्स है, यहीं पे y कोऑर्डिनेट, सो दैट इज इज टू है. आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है, इसका एरिया क्या होगा. ठीक है,
क्लियर, इस पार्ट का एरिया क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, यहीं से एक ऐसा डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो कि उन्हें ये रेक्टेंगल है। यहीं पे देखो हम लोगों ने फाइंड किया, सो दैट इज़ जब एक्स का वैल्यू माइनस टू है तो ये माइनस वन देगा, एंड सो दिस इज़ ये क्या देगा, ये तो वन दिया, ठीक है, क्लियर। सो मैं इस पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से इफेक्ट्स को सेपरेट कर देंगे, इस पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए ये जो रेक्टेंगल है उससे ये फंक्शंस को सेपरेट कर देंगे, सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड एरिया है। सो एरिया इज इक्वल टू, ठीक है एक बार देखो, सो दिस इज मैं पहले, सो दिस इज ये क्या करोगे, जीरो से वन को लो, सो दिस इज जीरो से वन, ठीक है। सो जीरो से वन पे क्या है, सिक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस प्लस करो, सो दैट इज व्हाट, माइनस वन से जीरो। सो माय डियर फ्रेंड्स, माइनस वन से जीरो पे क्या करोगे, ठीक है हमें क्या है क्या करना है, ठीक है। सो हमें माइनस वन से जीरो एफ एक्स से, सो दिस इज एफ एक्स माइनस ऑफ माइनस टू, सो दिस इज व्हाट, प्लस टू डी एक्स, ठीक है। अभी क्या है देखो, सो जीरो से वन, सो दिस इज सिक्स, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो दिस है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस टू है, सो दिस इज डी एक्स माइनस वन से जीरो, एफ एक्स क्या है, सो दिस इज एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर डी एक्स, ठीक है। अभी क्या है देखो, इसे इंटीग्रेट कर दो, दिस इज फोर एक्स एंड माइनस एक्स फोर बाई फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से वन है, और इसको इंटीग्रेट करो, व्हाट विल गेट ना, सो दिस इज एक्स फोर बाई फोर थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एक्स एंड लिमिट माइनस वन से जीरो, पहले वन को पुट करो, सो दिस इज फोर माइनस वन बाई फोर माइनस थ्री बाई टू, जीरो के लिए तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, सेम वे सो दिस इज माइनस जीरो के लिए तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये क्या होगा वन बाई फोर है, ये क्या होगा देखो थ्री बाई टू है, एंड सो दिस इज व्हाट माइनस फोर है। अभी क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट को रिमूव कर दो, वन माइन फोर माइनस थ्री बाई टू, एंड सो दिस इज ये जो प्लस था इसके लिए माइनस हुआ है ना, सो दिस इज व्हाट माइनस वन बाई फोर माइनस थ्री बाई टू, एंड सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज प्लस फोर है, सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज एट है, ठीक है। अभी क्या है वन बाई फोर, वन बाई फोर ये कितना होगा, सो दैट इज हाफ है, एंड सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज थ्री है, एट माइनस थ्री सो दैट इज फाइव है, फाइव माइनस सो दिस इज व्हाट, सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज नाइन बाई टू है, ठीक है क्लियर। सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज नाइन बाई टू, इसका जो एरिया है सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, सो दैट इज इक्वल टू नाइन बाई टू है। ये आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जेईई मैथमेटिक्स। सो माई डियर फ्रेंड्स, जो मैं बोलता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है क्लियर। ये सेंटेंस ठीक नहीं है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट, ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक परफेक्ट नहीं बन रहे हो, एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है, रिमेंबर इट माय डियर फ्रेंड्स। नाउ अनदर सेम क्वेश्चंस, ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, अनदर सेम क्वेश्चंस रखा है, और एक बार समझ लो, ठीक है, इफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस व्हेयर जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, सो दिस इज ए, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ ए क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहले समझ लो, दिस इज जो लिमिट है, देखो ये यहीं पे एक्स एंड वाई है, इफ इज ए फंक्शंस फ्रॉम दिस, यहीं पे ए इधर से माइनस थ्री एंड फाइव है, ठीक है, सो ए इधर से क्या है, जी है, हमारा एफ एक्स क्या है दिस, तो ये माइनस थ्री कब होगा ना, जब एक्स का वैल्यू माइनस वन होगा, देखो माइनस वन प्लस वन जीरो, तो ये माइनस वन है, एंड ये फाइव कब होगा ना, जब एक्स का वैल्यू वन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो अभी क्या करोगे, इसका बाद आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे, ठीक है, ग्राफ ये क्या होगा, एक्स जब जीरो है वाई का वैल्यू वन है, ऐसा करके मैं लेके जा रहा हूँ, सो लाइक दिस ए इसका ग्राफ है, ठीक है। अभी क्या है देखो, सो दिस इज माइनस थ्री एंड माइनस फाइव, सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज यू कंसीडर्ड, ठीक है, सो दिस इज यू कंसीडर, दिस इज फाइव एंड दिस इज माइनस थ्री, तो यहीं पे क्या है, जब एक्स जीरो है दिस इज वन, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया तुम्हें फाइंड करना है, सो नथिंग एल्स, ठीक है, सो दिस इज एक्स ओ एक्स डैश, एंड सो दिस इज वाई ओ वाई डैश।
अभी क्या करोगे, सो यू कंसीडर, सो दिस इज वन, एंड यहीं से डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, सो दिस इज माइनस वन. अभी इसका जो एरिया है तो पहले ऊपर का फाइन कर लो. सो दैट मीन्स क्या, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए जीरो से वन, रेक्टेंगल क्या है, फाइव है, फाइव से इफेक्ट्स को माइनस कर दो. सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वन डी एक्स. फिर क्या करोगे ना, माइनस वन से जीरो, ठीक है, क्लियर. सो माई इस, सो माई डियर फ्रेंड्स, ये क्या करोगे ना, इफेक्ट से माइनस थ्री को ऐड कर दो, सेपरेट कर दो. सो दिस इज ए प्लस थ्री हो जाएगा, सो दिस इज डी एक्स. तो ये क्या हो गया, देखो जीरो, एंड सो दिस इज फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, एंड ये क्या होगा, सो दिस इज इसका साथ थ्री ऐड कर दिया, सो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर डी एक्स. अभी इसको इंटीग्रेट करो, फोर एक्स माइनस एक्स फोर बाई फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू, सो जीरो से वन है, एंड सो दिस इज एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू, सो दिस इज व्हाट, माइनस वन से जीरो है, फोर माइनस वन बाई फोर, सो दिस इज थ्री बाई टू है, ठीक है. एंड सो दिस इज, ये तो जीरो के लिए तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा, वन बाई फोर, ये क्या होगा, थ्री बाई टू, ए माइनस फोर है. सो माई डियर फ्रेंड्स, सो फोर एंड फोर, सो दैट इज एट है, वन बाई फोर एंड वन बाई फोर, ये कितना होगा, सो दिस इज वन बाई टू है, माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री है. सो माई डियर फ्रेंड, फाइव माइनस हाफ, सो दिस इज ऑल्सो नाइन बाई टू है, ठीक है. ये क्या है, ये तो ए है. सो माई डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको क्या फाइन करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ नाइन बाई टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ नाइन बाई टू 4.5, सो दैट इज 4 है. इंटीजर टाइप क्वेश्चंस के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो माई डियर फ्रेंड्स, यही आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि ना इसी टाइप का ही क्वेश्चंस जनरली पूछा जाएगा, ठीक है, आपका चेरी एडवांस एग्जाम में. नाउ अनदर क्वेश्चंस देखो, अनदर क्वेश्चंस मैंने फिर अनदर क्वेश्चन सेम टाइप का और एक क्वेश्चन रखा है, जो आपका ये पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए. सो माई डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या है, देखो एफएक्स, एफएक्स क्या है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, तो माइनस वन, और सो दिस इज ए वन है, सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज टू है, ए एफ एक्स है. अभी जो जैसा सिखाया था, ए दो सेट है, सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एफ है, और इधर से जी जा रहा है, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, एंड हियर सो दिस इज वन, दिस इज टू, ठीक है, क्लियर. इसका वैल्यू वन कब होगा, देखो ए इसका वैल्यू वन कब होगा ना, जब ये जीरो होगा, एक्स का वैल्यू जब जीरो होगा, देखो एफ एक्स का, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू वन है, एंड इसका वैल्यू जब ये वन होगा तो एफ एक्स, एफ ऑफ वन का वैल्यू टू है, क्लियर आई थिंक. अभी क्या करोगे, अभी इसका ग्राफ को ड्रॉ करो, सो लाइक दिस, ठीक है. इसका ग्राफ वही, सपोज दिस इज एक्स माइनस वन का होल क्यूब, टू यूनिट ऊपर कर दो, सो दिस इज व्हाट, सो लाइक दिस, ऐसा है इसका ग्राफ. एंड ए जो लेंथ है, सो मैं हम लोगों को क्या क्या मिला है देखो, सो दिस इज एक्स इक्वल टू, ठीक है, सो दिस इज वन एंड टू पे है, ठीक है. सो माई डियर फ्रेंड्स, ए जो लेंथ है, सो दिस इज एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू है, कर्व जी एक्स विथ एक वन एंड टू. सपोज ए जो है, ये एक्चुअली वाई का वैल्यू है, वाई का वैल्यू, सो दिस इज वन एंड टू, सो दिस इज जब वन है, सो दैट मीन्स ये पार्ट है, एंड सो दिस इज टू, ठीक है, सो दिस इज टू है, इधर और नहीं जाना, ठीक है, क्लियर. सो माई डियर फ्रेंड्स, इधर नहीं जाना, इस पार्ट का एरिया तुम्हें फाइंड करना है. तो इस पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए तुम क्या करोगे, यहीं से, सो लाइक दिस, ठीक है, और यहीं से क्या ड्रॉ करोगे, लाइक दिस, यही तो आपको ड्रॉ करना है. सो दिस इज ए क्या है, ये क्या है, सो जब सो ए कब टू देगा ना, जब एक्स का वैल्यू है वन है, वाई का वैल्यू टू है, सो लाइक दिस ए है, सो दिस इज एक्स एक्स डैश एंड दिस इज वाई ओ वाई डैश. इसका एरिया क्या होगा, सो माय डियर फ्रेंड, ए जो रेक्टेंगल है, ए लेंथ टू है, ए लेंथ वन है, सो दैट मीन्स जीरो से वन के लिए दिस इज टू माइनस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है. सो दिस इज टू एंड एफ एक्स तो ए है, सो एफ एक्स क्या हो गया देखो, सो दिस इज एक्स माइनस वन का होल क्यूब, सो दिस इज डी एक्स, ए एफ एक्स हो गया, सो दैट इज व्हाट. सो माय डियर फ्रेंड्स, ए क्या होगा देखो, माइनस ऑफ, इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, एक्स माइनस वन बाई फोर, फोर एल लिमिट जीरो से वन है, सो दैट इज माइनस ऑफ, जब जीरो वन पुट करोगे जीरो,
and so the series is 1/4. So my dear friends, so the series is 1/4. इसे समझना है and this option is the right one. Try to understand it. ठीक है, clear? ठीक है ना, this part is very very important in JEE maths. ठीक है, clear? Now my dear friends, another questions देखो, इसका जो another questions है, so this is the area bounded by the curve y square plus x4 equal to x square. So my dear friends, पहले ये क्या बोल रहा है ना, x square minus x4 है. So this is x square common ले लो. So this, ठीक है, अभी इसका ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे, इसका नंबर लाइन में एक प्लॉट करो. So this is कहाँ कहाँ पे हो रहा है, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये माइनस 1 है, यहीं पे तो उल्टा फैक्टर है ना, तो ये नेगेटिव से शुरू होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव क्यों है, इवन पावर है. ठीक है, सो लाइक दिस. अभी इसका जब ग्राफ को ड्रॉ करोगे, इसका ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, यहीं पे प्लॉट कर दिया माइनस वन जीरो एंड वन. ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है ना, कर्व अबव एक्स एक्सिस होगा, नेगेटिव का मतलब है कर्व बिलो एक्स एक्सिस होगा. सो माई डियर फ्रेंड्स, सो द सीरीज इज व्हाट, तो ये पार्ट नेगेटिव, ए वाई स्क्वायर है ना, सपोज ए लुक हियर, ए ऐसा जाके, सो लाइक दिस. ठीक है, क्लियर, ए हुआ है. अभी क्या होगा, सो द सीरीज इज व्हाट, जीरो जीरो से वन का बीच में क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है एंड सो लाइक दिस. ऐसा होता, लेकिन वाई स्क्वायर है इसीलिए ये पार्ट को कंसीडर नहीं करोगे. ठीक है, ये पार्ट का इमेज ले लो विथ रेस्पेक्ट टू दिस, ये लूप बन गया. सो दिस इज एक्स ओ वाई एंड सो दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश. सो माई डियर फ्रेंड्स, इसका एरिया आपको फाइंड करना है. ठीक है, इस पार्ट का एरिया आप फाइंड करोगे, तो इस पार्ट का एरिया क्या होगा, सो एरिया इज इक्वल टू, तो क्या करोगे, किसी एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लो. ये जो फोर टाइम्स है, फोर टाइम्स मैंने यहीं से ले लिया, जीरो से वन, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स का मतलब क्या है, देखो उसका रूट हो गया. ठीक है, सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज एक्स अंडर रूट ऑफ वन, माई पॉजिटिव को ले लो. ठीक है, अभी क्या पुट करोगे, देखो पुट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, सो दिस इज एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट, फोर टाइम्स, अभी जब एक्स का वैल्यू जीरो है, टी का वैल्यू वन, एक्स का वैल्यू जब वन है, टी का वैल्यू जीरो, एंड सो दिस इज माइनस फोर. ठीक है, सो एक्स डी एक्स इज टी डी टी, सो दिस इज टी इन टू टी, सो दैट इज डी टी है. सो माई डियर फ्रेंड्स, ए क्या होगा, फोर टाइम्स ऑफ जीरो से वन टी स्क्वायर डी टी, सो दैट इज व्हाट, फोर टाइम्स इंटू t cube by 3 limit 0 से 1, so my dear friends 4/3 square in name. ठीक है, आई थिंक यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट, सो दिस इज 4/3. ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है, पहले तो आपको समझना है, फिर अच्छा से प्रैक्टिस करना है. रिमेंबर इट, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट. ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, नॉट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. ठीक है, एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, दिस इज गधे की तरह प्रैक्टिस करते जाओ बिना समझ के. कुछ फ़ायदा होगा, कब होगा ना, जब प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट, तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो, एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, डेफिनेटली. क्लियर,